तभी तो मैं कहूं कि आज की सुबह इतनी सुहानी क्यों लग रही है। और देखो फूलों के रंगों में एक अजीब सी चमक और हवा में एक मीठी मीठी ठंडक है। सब कुछ वैसे ही है भैया, बस आपका देखने का नजरिया बदल गया है। वो कहते हैं ना इंदू कि इंसान की आत्मा के जिंदा होने ना होने में शायद यही फर्क होता है। रिमझिम के आने के बाद से दुनिया की हर चीज कितनी प्यारी लगने लगी। हाँ भैया। गोविंद कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ महाराज जी। अरे बिटिया तुम, आपसे मिलने आए। हाँ तो आओ अंदर आओ। महाराज जी आपको याद है जब हम पहली बार आपके रसोई में आए थे आपने पूरी रसोई में गंगा जल छिड़का था। हाँ। आज नहीं छिड़केंगे का बिटिया? अरे काहे पाप चढ़ावे चाहत हो, तुम हमारी बिटिया हो अब, ये तुम्हारी रसोई है। आओ अंदर आओ, थपकी बात हो रही। आ जाओ। क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे बिटिया। आज बहुत दिनों के बाद ना दिल से खाना बनाने का मन कर रहा था। बहुत दिनों के बाद क्यों? अरे भैया एक बाबूजी जो हैं वही शौक से खाना खावत हैं, उनकी भूख तो मिट गई रही। अब देखना तुम आ गई हो ना, अब भर पेट खाना खाएंगे। खाना बाद में, हम पहले बाबूजी के लिए मसाले वाली चाय बनाने आए। अच्छा ठीक है बना। महाराज जी। ए बाहर बाहर, अंदर ना उतना मेरे रसोई में। अरे इतनी बार तो अंदर आ चुका हूँ, अब क्या तकलीफ है? अरे टफ की बात और रही, हम इमोशनल होके कह दिए रहेंगे, लेकिन अब बाहर वही खड़े रहे। चलो महाराज जी, आपका खान चाचा से झगड़ा अभी तक चल रहा है। अरे बिटिया हम थोड़ी झगड़ा करते हैं, ये हरकत ऐसा कर रहा था कि झगड़े का परत है। तुमको मालूम है तुम जब नहीं रही ना तो हमरे रसोई में ये मुंह लेके चलावा रहे कागज, हम तो नाम भी नहीं ले सकते हो का मुर्गा। हाँ हाँ वही। अब तुम बताओ हमरे रसोई को दोबारा हमको धोए का पड़ा, हमको दोबारा नहाए का पड़ा, अब बताओ झगड़ा का कारण ये है कि नहीं है? अरे महाराज जी इसी बहाने तुम नहा भी लिए और रसोई भी साफ हो गई। अरे तुम अंदर कैसे घुस गए मालूम है? अरे एक बात करने आया था मैं। क्या बात करने आए थे? दो अंडे का ऑमलेट बना के दो। ऑमलेट तो हर ऑमलेट बनाएंगे और डंडा खाएंगे भाई। ऐसे बाबूजी देखिए मैं किचन में दो ऑमलेट का नाश्ता मांगने गया था और इसने मुझे जलील करके किचन से धक्के देके बाहर निकाल दिया। माँ बताइए हमरे रसोई में ये ऑमलेट, राधे राधे हमरे रसोई में वो चीज मांगे गया रहा, बताइए वही वजह से हमको पूरी ऊपर रसोई जो है धोए के पड़ा था, दोबारा नहाए के पड़ा था। बताइए बाबूजी इसी बहाने नहा तो लिया ना। नहा तो लिया। हाँ मालिक बताइए ये ऐसी ऐसी हरकत करे थे, हमको परेशान करे थे। याद है आपको पिछली बार हनुमान जी बन के चला आ रहे हैं? हनुमान जी ने दर्शन भी तो दिए थे। दर्शन हनुमान जी ने दिए रहे, तू दिए रहा। हाँ और मालूम है सुबह सुबह उठ के नहाओ, पहले हमको नाश्ता कराओ तो खुद नाश्ता करो, ऐसी ऐसी हरकत करे थे बताइए। और वो भुतनी भुतनी ले आया रे हमरे खाते पे। हां तो बाबूजी इश्क भी तो इसलिए लड़ा था, शादी भी तो तुम ही कर रहे हो। भुतनी से हम शादी, भुतनी से और नहीं तो क्या? अरे हम हनुमान जी के भगत हैं, हम बताइए मालिक हम शादी करेंगे अभी भुतनी से? हम बाहर खाना पीना बंद कर देंगे सारे। हां बिल्कुल, हम बाहर से मंगा के खा लेंगे। बाहर से मंगा के खा लेंगे, एक दिन मंगाए रे पेट खराब हो गया है। कह रहे महाराज महाराज हमको अपने हाथ का खाना खिया, नहीं आएगा तुम्हारे पास। नहीं आओगे ना? एक मिनट बाबूजी, लोग कितना लड़ाई कर रहे हैं और आप मजे ले रहे हैं, रोकिए ने। क्या लड़ाई कौन? अच्छा ये ना 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 बेटा ये लड़ाई नहीं कर रहे, ये तो इनके प्यार की नोक झोंक है। तुम नहीं थी ना, एक कोने में ये एक कोने में ये मुंह फुलाए बैठे रहते, बात ही नहीं करते थे कई कई दिन, आज तो ये थोड़ा बहुत खुले हैं। अरे थैंक यू। हां चाचा अब हम आपसे लड़ाई करेंगे। हाँ। आपने पौधे देखे हैं मुरझा गए सारे के सारे, आप पानी नहीं दे सकते उन्हें? ना बेटा खान की गलती नहीं है, गलती मेरी है। दरअसल मेरा ही दिल उठ गया था, लेकिन नहीं खान, अब सबको तैनात हो जाना है 24 घंटे, सुविधारनी जी आ गई हैं। मैं बोल लूं, अब सुबह शाम निरंतर पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी। अब बोलो अगर नहीं किया ना तो 7 दिन के लिए तुम्हारा खाना और बंद कर, मतलब 14 दिन, 7 पहले वाले 7 ये 14 दिन तक बंद कर, 7 दिन करेंगे। वो नहीं देता खाना, देने वाला मालिक है। मालिक है खाना। कैसी है?
कितनी मुद्दत बाद, वाह बेटा वाह। थोड़ी सी शक्कर भी डाली। हाँ पता है, टेस्ट आ रहा है, बताया तो नहीं किसी को। मेघा, हरी, आप चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। ये लो अविनाश, जूस पियो। अविनाश, जूस पियो ना। अरे देखो, ऑमलेट भी ठंडा हो गया है, मैं दूसरा बना के। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, भूख नहीं है। व्हाट यू मीन भूख नहीं है? ऑफिस बिना कुछ खाए ही चले जाओगे क्या? मालूम नहीं, भूख लगी तो ऑफिस में कुछ मंगवा लूंगा। मेघा बेटा जल्दी खाइए, आपको स्कूल जाना है ना। यस पापा। जूली जरा देखना कौन है। जी मैम। जूस तो पी लो अविनाश। अरे महाराज जी, आप आओ। का कैसी हो जूली? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम फिट फाट। अरे अविनाश बबुआ, कैसे हो भैया? महाराज आप यहाँ? ठीक। और छोटी बहू तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अरे मेघा बिटिया, का कर रही भाई हमारी प्यारी मेघा बिटिया? कॉर्नफ्लेक्स दूध खा रही? अरे हटा, देखो हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आए हैं। जूली दो तीन प्लेट लेके आओ, जाओ जल्दी से। अरे महाराज नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम कहाँ ला रहे थे भाई, वो तो आज रिमझिम बिटिया बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता बनाई, तो हमसे कही जाओ अविनाश बबुआ को खिला के आओ। देखो सब तुम्हारे मन पसंद की चीजें बनी हुई हैं। ये देखो तुम्हारे पसंद का आलू है, ये लो, ये है पूरी, खाओ भैया। देखो आए छोटी बहू तुम भी लो ना, ये लो। हाँ ये पूरी है, तरकारी एकदम गर्मा गर्म है, खाओ नहीं ठंडा हो गई है। अरे खाओ ना। अरे कुछ भी कहो, रिमझिम बिटिया के आए से ना घर में रौनक आ गई है आजकल, खा बिटिया। एक पूरी आओ ले लो, ये ले। हेलो मालिन। रिमझिम, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। नाश्ता कैसा लगा? इस तरह महाराज के हाथों से नाश्ता भिजवाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? यही मालिनी, देखो ना अविनाश आज भी हमारे हाथ के बने खाने का स्वाद नहीं भूले। और दूसरी बात ये कि हमसे मिलने वाली हार का स्वाद ये भी तुम नहीं भूल पाओ। अच्छा, कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिमझिम, मालिनी जंग में वही जीतता है जो अपना वक्त खुद लाता है। जो वक्त का इंतजार करते हैं वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। और वैसे भी ये तो प्यार पाने की जंग है, तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। इसकी एक और वजह है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो। अविनाश के लिए जो तुम्हारा प्यार है वो तो सिर्फ एक जिद है, एक पागलपन। तुम्हें जो सोचना है वो सोचती रहो और जो करना है वो करो। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो रिमझिम, तुम्हारी इन हरकतों से तुम अविनाश को पाने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे।
मुझे तो तुम्हारी छटपटाहट देखकर तुम पर बहुत तरस आ रहा है। सचमुच बहुत तरस आता है तुम पे। ये तो और भी अच्छी बात है मालिनी, तुम तरस खाना सीख गई। क्योंकि बहुत जल्द अविनाश को खोने के बाद खुद पर तरस खाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा बचेगा भी नहीं। बाय। हेलो चाचा जी, मुझे माझी से बात करनी है। क्या बात? आज रिमझिम ने घर पे नाश्ता भिजवाया। अच्छा, अरे पर तुम रो क्यों रही हो? देखो बहुरानी, रोने से काम कैसे चलेगा? जो बात है वो हमें बताओ, अपनों को नहीं बताओगी किसको बताओगी? ना बहुत आगे उनसे बात कर। मालिनी का फोन है, रोए चली जा रही है। अविनाश या मेघा को तो कुछ नहीं पता। नहीं भाजी, आप बात कीजिए ना, हमें तो कुछ बता ही नहीं रही। हेलो, क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या? मैं हार गई हूँ माजी, मैं हार गई हूँ। उस घर से निकलते वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि किसी भी हाल में अविनाश को अपने घर वापस जरूर ले आऊंगी, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने आप पर, अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन था। लेकिन अब मैं हिम्मत खो चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब मैं अविनाश को अपने घर वापस कभी नहीं ला पाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, हुआ क्या है ये तो मुझे बताओ। माजी, वो रिमझिम। क्या? वो लड़की, उसने क्या किया? आज रिमझिम ने महाराज के हाथों यहाँ पर नाश्ता भिजवाया। महाराज के सामने तो अविनाश ने चुपचाप नाश्ता खा लिया, लेकिन उनके जाने के बाद वो बहुत नाराज हुए। कहने लगे कि आज इतने सालों बाद उन्हें हमारी याद आई, हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता है क्या? बाजी, मैं कब से अविनाश को समझाने की कोशिश कर रही थी कि घर वापस चलते हैं, लेकिन अब इन हरकतों से वो और नाराज हो गए। इसीलिए कह रही हूँ मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो, और वो लड़की उसको तो मैं संभालती हूँ। वो लड़की, बस पूछो मत, खड़ो। सही जा रही हो भावरानी। जय जय। चाचा जी, आप फिर हमारे घर में आ गए। हाँ हाँ बिटिया, सब बड़ के भैया की मेहरबानी, उन्होंने हमें माफ कर लिया, प्यार से गले से लगा लिया, तो क्या नाम से हम भी अपने परिवार में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताएं बिटिया, तुम्हें फिर से सुख शांति सदन में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें जिंदा देख कर हमें बहुत खुशी हुई है बिटिया। बस आपकी दुआ है चाचा। अरे बेटिया, हमारी दुआएं तो क्या नाम से हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। चाचा जी, जितनी दुआएं आपने हमारे लिए की, अगर थोड़ी सी हमारे घर के लिए भी की होती तो आज हमारा घर कितना खुश होता ना। पता नहीं बेटिया, किसकी बुरी नजर हमारे घर को लग गई है। हम जानते हैं चाचा जी। चाचा जी, कोई एक ऐसा इंसान है जो हमारे परिवार को बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन हमारे परिवार का दुश्मन। आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को? अरे राम का नाम लो बिटिया। बिटिया, हमने तो हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश की है। चाचा जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो उस दुश्मन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे इस घर का दुश्मन ही तो दुर्गा शंकर का भी दुश्मन है।
बहुत अच्छी बात है कि अब आप इस घर की खुशियों के बारे में सोचते हैं, भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन चाचा जी, अगर इस दुश्मन के बारे में कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताइए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर भैया। अब हम चलते हैं। कुछ आराम मिला आपको माँ? हाँ, कुछ आराम तो मिला, लेकिन ये सर इतना भटका। माँ, आप इतनी टेंशन लेते क्यों? अरे टेंशन कैसा ना लूं, इस घर में टेंशन ही टेंशन है। माँ जी, खान चाचा ने बताया आपका सर दर्द हो रहा है। हाँ। हम ये तेल लेकर आए हैं, इसकी मालिश कर देंगे तो आपका सर दर्द एकदम से चला जाएगा। मुझे तेल वेल कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ जी, बहुत अच्छा तेल। बस बहुत हो गया, घर में आग लगाने के बाद उसे बुझाने का नाटक मत करना। और ये जो तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू है ना, इसे अपने बाबूजी के सामने बहाना, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता। माँ जी, कैसी औरत हो तुम, इतने साल इस घर से और अपने पति से दूर रही, और जब आई तो आते आते नाटक शुरू कर दिया तुमने। माँ जी, हम एक बात बताओ, आज सुबह तुमने अपने हाथ से बनाया हुआ नाश्ता महाराज के साथ अविनाश के यहाँ पहुंचाया था या नहीं? और क्यों पहुंचाया था? देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अविनाश की जिंदगी फिर से बर्बाद मत करना। बहुत साल अविनाश इस घर से दूर रहा है और मालिनी ने उसे संभाला है, और बहुत अच्छा संभाला है। अब तुम फिर से उसका घर बन दो, समझी? हेलो। और रिमझिम, कल नाश्ते में क्या भिजवा रही हो? वो तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले एक बात बताओ, सहारे की इतनी जल्दी जरूरत पड़ गई तुम्हें? मतलब तुम्हारे और हमारे बीच में एक बात तय हुई थी कि ये झगड़ा सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, तो माँ जी बीच में कैसे आ गई? डर गई?